सुबह उठते ही हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर हमारे आज का दिन कैसा रहने वाला है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहों की चाल के साथ ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिसको अपनाने के बाद आपका आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले किसी संत व्यक्ति का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेंगे। आप बिना किसी की मदद से पैसा कमा सकते हैं, बस आपको खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। उपाय के बारे में बात करें तो गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, सेहत अच्छी रहेगी। वृष राशि वाले भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील हैं, इसीलिए ऐसी परिस्थितियों से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर आज भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं। उपाय के बारे में बात करें तो शिव जी को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों को जीवन साथी के मामले में बेवजह की दखलंदाजी से बचना चाहिए। बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें, कम से कम दखलंदाजी करें, नहीं तो निर्भरता बढ़ सकती है। उपाय के बारे में बात करें तो गणेश जी को दुर्ग अर्पित करें। कर्क राशि वाले आज ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं। आप जो भी करेंगे उसे आप आमतौर पर जितना समय लेते हैं उससे आधे समय में ही निपटा देंगे। उपाय के बारे में बात करें तो बृहस्पति वार का व्रत रखें, साथ ही विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सिंह राशि के जातकों को जल्दी से जल्दी अपने जज्बात पर काबू रखने और डर से आजादी पाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है और अच्छी सेहत का लुत्फ उठाने से आपको वंचित भी कर सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो गरीबों को कपड़ों का दान करें। तुला राशि वाले अपने विचार और ऊर्जा उन कामों में लगाएं जिनसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सिर्फ काल्पनिक पुलाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके साथ अब तक की समस्या ये है कि आप कोशिश करने के बजाय केवल इच्छा करते हैं। उपाय के बारे में बात करें तो गणेश जी की पूजा करें। तुला राशि वालों के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर सकता है। पूर्व में आपने काफी पैसा खर्च किया है जिसका खामियाजा आप आज तक भुगता नहीं पाए हैं। उपाय के बारे में बात करें तो हर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। आज किसी नजदीकी रिश्तेदार की मदद से आप अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उपाय के बारे में बात करें तो शिव जी की आराधना करें। धनु राशि वाले लंबे समय से जो थकान और तनाव महसूस कर रहे थे उससे आपको राहत मिल सकती है। इन समस्याओं से स्थायी राहत पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है जिससे कि पूरा दिन आपका खराब हो सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। मकर राशि वाले जीवन में बेहतर चीजों को महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम होगा। आप जीवन में धन के महत्व को नहीं समझते हैं, लेकिन आज आप धन के महत्व को समझ सकते हैं। उपाय के बारे में बात करें तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। कुंभ राशि वालों के जीवन में बेहतरीन चीजों को महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलें। कुंभ राशि वालों को आज यात्रा करके थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों के साथ शाम को मौज मस्ती और हंसी मजाक में आपका शाम बीत सकता है। अचानक कोई संदेश आपको दुखद कर सकता है, लेकिन आपको आज मीठी नींद आएगी। उपाय के बारे में बात करें तो शनिदेव की पूजा करें, काला तिल चढ़ाएं, साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में दिया जलाएं। मीन राशि वालों को जीवन में बेहतर चीजों को महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलने चाहिए। चिंता को छोड़ना इसका पहला कदम होगा। शतशुदा जोड़ों को आज संतान की शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो हनुमान जी की आराधना करें, हो सके तो शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करें।